नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। दारलाघाट में बैठक शुरू, 4000 ट्रक ऑपरेटर्स बना रहे रणनीति। अडानी कंपनी का अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने से नाराज चल रहे ट्रक ऑपरेटर्स आज दारलाघाट में बैठक कर रहे हैं। बैठक में करीब 4000 ट्रक ऑपरेटर्स मौजूद हैं। कंपनी के बंद होने के निर्देशों के बाद सभी ऑपरेटरों ने अपने ट्रक यार्ड में खड़े कर दिए हैं। यार्ड पूरी तरह से भर गया है तो उसके बाद ट्रक ऑपरेटरों ने सड़कों पर ट्रक खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सड़क किनारे सैकड़ों ट्रक खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ जाम की समस्या भी होगी क्योंकि ज्यादातर ट्रक सड़कों पर खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सभी कांग्रेस विधायक आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा भी हुई। भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हुए हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए वीरवार शाम को सभी विधायक एक साथ वॉल्वो बस में राजस्थान के अलवर के लिए रवाना हुए थे। बिलासपुर बरमाना प्लांट बंद होने के बाद सामान समेट कर लौटने लगे प्रवासी कामगार। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले के बरमाना सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद होने के बाद प्रवासी कामगारों ने पलायन शुरू कर दिया है। काम बंद होने से फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 400 प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। कुछ कामगारों को आए कुछ दिन ही हुए थे। एडवांस में कमरे का किराया ये सोचकर दिया था कि अगले माह मानदेय मिलेगा तो भरण पोषण चल पड़ेगा, लेकिन महीना पूरा होने से पहले ही उन्हें घर जाने को कह दिया गया है। एक तो मानदेय नहीं मिला, ऊपर से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। वीरवार को बरमाना के सड़कों और बस स्टॉप पर सामान समेट कर घर वापस लौटने वाले कामगारों को देखा गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए धर्मशाला में 20 दिसंबर से शुरू होगा पिचों का काम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मार्च में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के लिए 20 दिसंबर से पिचों को तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। टेस्ट मैच के लिए रखी गई 3 मुख्य पिचों पर HPCA की ओर से पहले हल्की मिट्टी बिछाई जाएगी। इसके बाद तिरपाल से 1 सप्ताह तक ढका जाएगा। पिच पर घास उगने के बाद पिचों को तैयार करने का काम होगा। इसके अलावा स्टेडियम में प्रैक्टिस एरिया की पिचों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इन पर टेस्ट मैच से पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। JBT बीएड मामले में दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरी करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को JBT टेट के लिए योग्य करने के मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरे करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी 2023 को निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को JBT टेट के लिए योग्य करने पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसमें बीएड डिग्री धारकों को JBT टेट के लिए योग्य किया गया था। हिमाचल अंबुजा ACC सीमेंट प्लांट स्थल छावनी में बदले बेनतीजे रही बैठक। अदानी कंपनी के हिमाचल प्रदेश के बरमाना और दारलाघाट स्थित सीमेंट प्लांट बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के बाद गुरुवार को दिन भर ACC प्रबंधन, ट्रांसपोर्टरों और कर्मचारियों में तनातनी रही। दोनों जगह प्लांट स्थल छावनी स्थल में बदल गए हैं। पुलिस विभाग ने एहतियात बरतते हुए बटालियन बरमाना कस्बे में तैनात कर दी है। बरमाना में कड़ी सुरक्षा के बीच ACC कंपनी के अधिकारी प्रशासन से वार्ता करने के लिए प्लांट स्थल तक निकले। सारा विवाद माल ढुलाई भाड़ा कम करने का है। खराब परीक्षा परिणाम मामले की जांच पूरी, मूल्यांकन में 4.38% का निकला अंतर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खराब रहे स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर बाद गठित कमेटी ने मामले की जांच पूरी कर ली है। विवि के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल के अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में खराब परिणाम से जुड़े परीक्षार्थियों के 2 बार करवाए गए पूर्ण मूल्यांकन की रिपोर्ट रखी गई है। सामने आए तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि पहले और तीसरे ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में महज 4.38% का अंतर मिला है। तीसरी बार हुए मूल्यांकन में करीब 131 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मोहाली में तेज रफ्तार कार ने बुलेट को मारी टक्कर, हिमाचल के युवक की दर्दनाक मौत। मोहाली के सेक्टर 71 में हुए एक सड़क हादसे में हिमाचल के युवक की मौत हो गई है, जबकि उसके छोटे भाई की पत्नी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय कर्ण के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला का नाम अनीता बताया जा रहा है, जो कि PGI में भर्ती है। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। मृतक कर्ण मूल रूप से कांगड़ा जिले के सुलहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भट्टू का रहने वाला था और मौजूदा समय में चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में परिवार सहित रहता था। वह बतौर लैब असिस्टेंट काम करता था। हादसा बुधवार देर रात को पेश आया है।
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने फिर बढ़ाई तिथि, अब तारीख तक भरे जाएंगे स्नातकोत्तर कोर्सेज के परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज के परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज रेगुलर रीअपियर के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क अब 28 दिसंबर तक भर सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में चल रहे पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 दिसंबर को होगी। काउंसलिंग सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका, ये कंपनी भरेगी सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद। पंजाब के सरहिंद की निजी कंपनी में सर्च सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड पुरुष के 200 पदों के लिए 19 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में और 20 दिसंबर को उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लेगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए तथा उनकी आयु 21 से 37 वर्ष के बीच हो। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 13,500 रुपए से लेकर 18,500 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। सुधा सूद ने बताया कि सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके मोबाइल नंबर पर साक्षात्कार की सूचना भेज दी गई है।